WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में रोमन प्रिंस और ब्रॉक लेसनर दो ऐसे सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन दोनों के दम पे WWE अभी बच के रह रही है और WWE अभी चल रही है। और इन दोनों सुपरस्टार्स के अलावा अगर बात कर ली जाए तो भाई विंस मैकमैन ने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है जिससे WWE बेकार बन जाए। सेथ रॉलिंस जैसे इतने बेहतरीन सुपरस्टार को विंस मैकमैन में चैंपियन बनने की कोई भी खूबियत नहीं दिखती है। उनको मनी इन द बैंक विनर बनाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस की जगह ऑस्टिन थ्योरी ने जीत ली चैंपियनशिप। तो यहाँ पे WWE में देखने लायक बाकी कुछ रहा नहीं है। और रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो समर फ्लैम में जो मैच होने वाला है वही मैच केवल एक ऐसा है जो कि हाइप बना के रख रहा है और जिसके कारण फिर लोग WWE देख रहे हैं। अब ब्रॉक लेसनर आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस भी एडवर्टाइज हो चुके हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों के अलावा WWE के पास कोई सुपरस्टार नहीं है और जो सुपरस्टार है WWE उनको यूटिलाइज नहीं कर रही है अच्छे से। अब जब मैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की बात करता हूं तो भाई इन दोनों के बीच में पिछले 8 सालों में बहुत बार मैचेस हो चुके हैं और आज मैं इस वीडियो में उन्हीं मैचेस की रेटिंग्स देने वाला हूं। मतलब मेरे हिसाब से कौन सा सबसे बेहतरीन मैच था और मेरे हिसाब से कौन सा सबसे बेकार मैच था उसकी रेटिंग दूंगा और आउट ऑफ 10 में से मैं रेटिंग देने वाला हूं। मतलब किसी मैच को मैं 10 में से 10 भी दे सकता हूं और किसी को 10 में से 5 भी दे सकता हूं। तो यहां पे मैं रेटिंग्स देने वाला हूं और मेरे साथ साथ आप लोग नीचे भी अपनी रेटिंग्स देते चलना कि आपको क्या ओपिनियंस लगते हैं उन मैचेस के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन। अब मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ जो रेसलिंग देखते होंगे। अब इस वीडियो में सबसे पहला मैच जो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हुआ था वो था रेसलमेनिया 31 2015 में। अब ये वाला मैच था जिसमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस सबसे पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे और ये वाले मैच को मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूं। अब मैंने शुरू में ही इस मैच को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दे दी है भाई क्योंकि ये वाला मैच इतना तगड़े था, इतना बेहतरीन मैच था। इस स्टोरी लाइन के बेसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे, थ्रिल के हिसाब से, ट्विस्ट के हिसाब से, चाहे जिस चीज को ले लो, ये वाला मैच पूरा पैसा वसूल था। अब ये वाले मैच की बिल्डअप ऐसी थी कि भाई देखो रोमन रेंस 2015 का रॉयल रंबल जीत चुके थे और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हो गया था जहाँ पे भाई ऑडियंस रोमन रेंस को हेट करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे रोमन रेंस के हेट का एकदम शुरुआती दौर था और यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रीजन था जिस तरीके से रोमन रेंस ने 2015 का रॉयल रंबल जीता था। लोग यहाँ पे चाहते थे कि भाई डेनियल ब्रायन जीते लेकिन रोमन रेंस ने जीता था उसको। यहाँ पे द रॉक ने भी रोमन रेंस का हाथ उठा के कोशिश की थी कि भाई फैंस का अप्रिसिएशन दिलवा दे लेकिन रॉक को भी हेट मिली थी तो रोमन रेंस को इतना हेट करते थे। अब यहाँ पे रोमन रेंस के सामने भाई ब्रॉक लेसनर जैसा सबसे तगड़ा सुपरस्टार आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी उस वक्त अपने पीक में हुआ करती थी और ब्रॉक लेसनर ने भी 2014 में अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ दी थी और उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस से उनका सामना हो रहा था। तो भाई दोनों ही सुपरस्टार एकदम उस वक्त WWE में अपने चरम सीमा में थे, मतलब टॉप पे थे। तो मतलब दोनों ही सुपरस्टार WWE में उस वक्त अपने पीक में थे। रोमन रेंस तो अभी भी खैर पीक में है लेकिन उस वक्त भी रोमन रेंस को हाइप मिली हुई थी। तो यहाँ पे जब ये मैच होता है तो भाई मैच शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर ने तगड़ा एक F5 जमाया और जिस तरीके से ये मैच चल रहा था ना, एकदम साउथ इंडियन मूवीज जैसे दे दनादन फिनिशर्स लग रहे थे एक दूसरे को। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस का भी हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है। हिस्ट्री में सबसे पहली बार सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया के स्टेज में मेन इवेंट में अपनी एंट्री की और मनी इन द बैंक को कैश इन कर दिया। तो यहाँ पर रेसलिंग फैंस को एक से एक तगड़ा एकदम ट्विस्ट मिलता गया और ये वाले मैच को भाई डेव मेल्टजर ने भी बहुत ही अच्छा मैच बोल दिया था और सोचो जब उस आदमी ने बोल दिया तो ये मैच कितना अच्छा होगा। तो इस मैच को मैंने रेटिंग्स दी है 10 आउट ऑफ 10 की। अब इसके बाद 2016 में होता है फाफलेन का मैच जहां पर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस यहां पे हमें देखने को मिला था फाफलेन में। अब ये वाला मैच भी पूरा एक्शन से भरपूर था और यहाँ पे आपको लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस आपको देखने को मिले थे इस मैच में और डीन एम्ब्रोस को यहाँ पे वीक पॉइंट मतलब माना जा रहा था कि यहाँ पे डीन एम्ब्रोस ही ऐसे जो पिन हो सकते हैं और ऐसा हुआ भी था। लेकिन देखो यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये वाले मैच में भाई डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ने एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी और खास करके मैं इंप्रेस हुआ था डीन एम्ब्रोस से। भाई जिस तरीके से उस आदमी ने ब्रॉक लेसनर से सुप्लेक्स खाया था और उसके बाद चेयर शॉट से दोनों ही सुपरस्टार को दे दनादन चेयर शॉट मारे थे, केंडो स्टिक जैसा भी हो सकता था, डीन एम्ब्रोस ने भाई पूरी कोशिश की और इस मैच में इतनी बढ़िया तगड़ा सीन्स देखने को मिला था जहां पे लोगों को ऐसा वाकई में लगता था कि भाई देखो डीन एम्ब्रोस बहुत बड़ा कमजोर सुपरस्टार है लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा था इस मैच को जीतने की। और ये वाली स्टोरी लाइन भी बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पे थोड़ा सा शील्ड का भी फैक्टर देखने को मिल गया था क्योंकि डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे थे। तो इसीलिए मैं इस मैच को देता हूँ 10 में से 9 की रेटिंग। ये वाला मैच भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था।
अब 2016 के बाद ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक बार फिर से आमने सामने आए 2017 के समर स्लैम मेन इवेंट में, जहां पे फैटल फोर वे मैच था। और भाई ये वाले मैच की तो क्या ही बात कर दें, इसमें इन दोनों के अलावा समोआ जो ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार्स थे, तो मतलब फैटल फोर वे में चारों ही सुपरस्टार्स WWE के उस वक्त अपने टॉप में हुआ करते थे। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को अगर भूल गए हो तो याद रखो उस वक्त कितना ऑडियंस उसको सपोर्ट किया करती थी। यहाँ पे तो वो लोग वाकई में चाहते थे कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाए। रोमन रेंस के जैसा कुछ ब्रॉन स्ट्रोमन को तो नहीं मिला, लेकिन रोमन रेंस को कंपनी जिस तरीके से सपोर्ट दिलाना चाहती थी वो जरूर फैंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ कर दिया। और आई थिंक अगर समर स्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमन अगर जीत जाते, ब्रॉक लेसनर को हरा भी देते, तो यहां पे लोग उतना माइंड नहीं करते। यहां पे लोग कहते कि चलो भाई ठीक है, ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा सुपरस्टार ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर समोआ जो को पिन किया है, यहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन का एक ऐसा रुतबा हुआ करता था। अब ये वाला मैच पूरा एक्शन से भरपूर था, यहां पे सब ने अपने फिनिशर्स लगाए, ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स भी लगाया ब्रॉन स्ट्रोमन को, और यहां पे ब्रॉक लेसनर इंजर्ड भी हो गए थे। उसके बाद वो फिर से मैच में वापस आया और रोमन रेंस को पिन करके जीता। यहां पे लोगों को सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को पिन करके जीता है। विंस मैकमहन ने कभी कभी अपनी बुकिंग्स में अच्छा काम किया है, और यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि रोमन रेंस को पिन करा दिया था। तो ये वाले मैच को 10 out of 10 रेटिंग्स देना चाहूंगा, जिस तरीके से चारों सुपरस्टार यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे थे। और ये मैच से जो पहले का प्रोमो था चारों सुपरस्टार का, वो भी एकदम गजब का था। तो ये वाले मैच की बिल्ड और स्टोरी लाइन और एक्शंस पूरा भरपूर था, तो इसको मैं 10 out of 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। अब यहाँ पे अगला मैच हुआ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का 1-on-1 मैच रेसलमेनिया 34 2018 में, 2018 में। और ये वाला मैच आई थिंक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स जैसा था। यहाँ पे अगर आप इसकी बिल्ड के देखोगे तो यहाँ पे बिल्ड तो वैसे ही था, WWE पुराने जैसा बुक कर रही थी इन दोनों को, लेकिन इस पॉइंट में ऑडियंस इन दोनों से ही बोर हो चुकी थी। यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन था कि देखो रोमन रेंस को भी लोग हेट करते थे कि भाई देखो उसके अंदर ना माइक स्किल्स है ना उसकी रेसलिंग का स्टाइल उतना अच्छा है, वो जॉन सीना के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो पे लोग रोमन रेंस को हेट करते थे। और ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइम सुपरस्टार थे, मतलब भाई वो 1-2 महीने में सीधे पेपर व्यू में आते थे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करके, फिर ब्रॉक लेसनर का कहीं आता पता भी नहीं रहता था। और उस वक्त वो हील सुपरस्टार थे तो उनका हील का कैरेक्टर, और वो पार्ट टाइम थे तो एबसेंट भी रहते थे WWE में, तो और भी ऑडियंस उनसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो इन दोनों से ही फ्रस्ट्रेट थी। और यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि भाई जब मेन इवेंट हुआ तो भाई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस मैच में, मतलब ये मैच चलता रहा और लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब इग्नोर सा कर दिया। अगर आप इस मैच को देखने जाओगे तो भाई वहाँ पे ऑडियंस कुछ वॉलीबॉल टाइप का खेल रही थी, तो मतलब देखो वो अपने एंटरटेनमेंट का खुद ही जुगाड़ कर रहे थे। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रियली में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इस मैच को ख़त्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप विंस मैकमहन के मुंह पे फेंक दी थी, तो कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर भी चाहते थे कि भाई उसी पॉइंट में रोमन रेंस जीत जाए, कुछ तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऑडियंस भी देख रही थी कि भाई लगातार 4-5 बार मैच इन दोनों का हो चुका है, तो कम से कम रोमन रेंस जीते, लेकिन रोमन रेंस हार गया। और उस पॉइंट में लोगों ने चीयर्स भी किया जब ब्रॉक लेसनर भाई इस मैच को खत्म कर दिए, तो यहाँ पे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि चलो कम से कम ये बोरिंग मैच खत्म हो गया। और ये स्टोरी लाइन भी आउटडेटेड हो चुकी थी, दोनों ही सुपरस्टार्स के जिमिक भी आउटडेटेड हो चुके थे। यहाँ पे इस मैच का उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं बन रहा था, इसलिए मैं इसको 10 out of 5 stars देता हूँ। यहाँ पे आप अपने ओपिनियंस बता देना और आप अपने रेटिंग्स दे देना, जिस तरीके के रेटिंग्स मेरे को देना था मैंने दे दिया। अब इसके बाद इन दोनों का अगला मैच होता है भाई सऊदी अरब में 2016 में, स्टील केज मैच होता है। यहाँ पे एक पॉइंट में तो WWE भाई एकदम से अपने फैंस को इग्नोर कर रही थी, जिस तरीके से वो लगातार ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को बुक करते ही जा रहे थे हर मेन इवेंट में। उस वक्त तो अंडरटेकर भी थे WWE के पास और गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार्स भी आया करते थे, तो पता नहीं WWE इन दोनों में क्या जबरदस्ती चीजें देख रही थी, लेकिन इन दोनों को एक बार फिर से मेन इवेंट में डाल दिया उन्होंने, और क्राउन ज्यूवेल में इनका फिर से एक बार स्टील केज में मैच हुआ। अब ये वाला मैच आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक भी था, इस मैच में इतनी ज्यादा स्टोरी लाइन भी नहीं थी, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद सीधे अक्टूबर में ये वाला मैच हुआ था, ना तो इसमें कोई स्टोरी लाइन थी। स्टोरी लाइन तो वही थी जो पिछले 5 सालों से चली आ रही थी, वही वो लोग पुराने प्रोमोस को दिखाते जा रहे थे। अब इस पॉइंट में ऐसा होता है कि भाई रोमन रेंस तगड़ा स्पीयर मारते हैं ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर बाहर गिर जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को विनर बता दिया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट तक तो ठीक था, लेकिन बाद में एक रेफरी उनका पोस्ट करता कि भाई मेरे से एक गलती हो गई, रोमन रेंस पहले बाहर गिरे, रोमन रेंस की बॉडी पहले टच हुई थी वहाँ पे जमीन पे, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की थी WWE ने जानबूझ के, लेकिन ये कंट्रोवर्सी कोई काम नहीं आई क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्होंने इस बारे में बात भी नहीं की। और इसी रीजन से मैं इस मैच को भी 10 out of 5 stars की रेटिंग देता हूँ। अब WWE यहाँ भी थकी नहीं, 2018 में एक बार फिर से आपको रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में मैच देखने को मिला 1-on-1, और यहाँ तक तो आते होते ऑडियंस एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। भाई फ्रस्ट्रेट का मतलब इनको व्यूज ही नहीं मिले। अगर आप उस समर स्लैम की रेटिंग्स देखने जाओगे तो WWE के समर स्लैम की सबसे लोवेस्ट रिकॉर्डिंग सेट की गई थी उसको,
उसको सबसे कम लोगों ने देखा था, तो समर स्लैम की इतनी हाइप खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए WWE ने क्या किया, ब्रॉन स्ट्रोमन उस वक्त मनी इन द बैंक चैंपियन थे, तो उनको भी टाल दिया। अब यहाँ पे लोग उनको सपोर्ट किया करते थे, तो भाई उनको लगा कि हाँ भाई चलो ब्रॉन स्ट्रोमन आ गया, ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा, यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन जीत सकता है। लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं, ब्रॉन स्ट्रोमन वहाँ पे खड़े रह गए उनकी चैंपियनशिप, और उनको दोनों को ब्रॉक लेसनर ने F5 जड़ दिया, और वहाँ पे ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, और फाइनली रोमन रेंस ने एक SPR मार के 2018 में ब्रॉक लेसनर को हरा के वो चैंपियनशिप जीती। अब इस मोमेंट में तो ऑडियंस ने और मैंने दोनों ने ही केयर करना बंद कर दिया था कि भाई चाहे ब्रॉक लेसनर जीते और चाहे रोमन रेंस जीते, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि WWE में क्या हो रहा है, ना कोई स्टोरी लाइन ना कोई बिल्डअप, वही पुराना 5 साल का प्रोमो रिपीट करते करते वो लोग इस मैच को इतना आगे तक लेके आ गए, और यहाँ पे फाइनली रोमन रेंस ने जीत ली थी चैंपियनशिप। तो भाई रोमन रेंस के जो सपोर्टर्स थे, खास करके रोमन रेंस के सपोर्टर इंडिया में और एशिया में ही थे, बाहर के लोग तो उन्हें खुद ही बहुत ज़्यादा बू किया करते थे उसको। मैच अगर आप दोबारा देखने जाओगे, चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या ही बू मिली थी रोमन रेंस को, मतलब क्या ही हेट मिला था। तो रोमन रेंस के चैंपियनशिप जीतने के रीजंस के केवल से मैं इस मैच को 10 में से 6 की रेटिंग देना चाहूँगा, केवल रोमन रेंस ने चैंपियनशिप फाइनली जीत ली थी उसकी वजह से। अब 2019 के बाद 2 साल के बाद हमें देखने को मिला 2021 में ये वाला मैच। अब इस मैच के लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के दोनों फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश थे, जो वो देखना चाहते थे कि भाई फाइनली रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार बन चुके थे, और ब्रॉक लेसनर के फैक्टर से तो लोगों को एकदम शौक ही लग गया कि जिस तरीके से वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ गए और वो फेस सुपरस्टार हो गए, उन्होंने अपना माइक स्किल्स दिखा दिया, अपने प्रोमोस स्टार्ट करने शुरू कर दिए, तो भाई लोग तो एकदम कूद ही गए कि भाई ब्रॉक लेसनर ऐसा चेंज कर सकता है। लोगों ने इमेजिन नहीं किया था, और मैंने खुद इमेजिन नहीं किया था कि भाई ब्रॉक लेसनर दाढ़ी ओढ़ी तो रख सकते थे, अपने बाल भी बड़े कर सकते थे, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि भाई ब्रॉक लेसनर इतनी बेहतरीन तरीके से माइक में अपने वर्ड्स को डिलीवर करेंगे। तो मैं तो पूरा खुश था, और ये वाले मैच की हाइप एकदम बनी हुई थी। 2021 में क्राउन जुएल आया, और क्योंकि रोमन रेंस ने 2 सालों से चैंपियनशिप को जीत के रखी थी, तो वहां पे लोगों को लगता रहा कि चलो भैया ब्रॉक लेसनर आ गया, अब तो रोमन रेंस गया काम से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, रोमन रेंस ने इंटरफेरेंस करके ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। वहाँ पे पॉल हेमन का फैक्टर देखने को मिला, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था लोगों की भाई पॉल हेमन दोनों ही साइड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन में जो मतलब जे ऊशो और जिमी ऊशो ने ब्रॉक लेसनर को सुपर किक मारी थी, उसके बाद रोमन रेंस ने चैंपियनशिप मार के मैच जीता था, तो यहाँ पे भी ऐसा लोगों को लगता रहा कि भाई पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप दी थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में थोड़ा बहुत एंगल बना था, और उसका एंगल का सबसे बड़ा रीजन था पॉल हेमन और रोमन रेंस का हील टर्न और ब्रॉक लेसनर का फेस टर्न। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन एकदम जम के चल रही थी, बहुत ही बेहतरीन थी, तो इसीलिए मैं इसको 10 में से 8 स्टार्स देना चाहूँगा। अब 8 स्टार्स इसलिए देना चाहूँगा, भाई ब्रॉक लेसनर उसमें नहीं जीते, अगर वो जीत जाते तो भाई 10 में 10 दे देता उसको। अब उसके बाद लास्ट टाइम जो मैच हुआ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का, वो था रेसलमेनिया 37 इस साल अप्रैल में आपको देखने को मिला। अब देवन में भी इनका पेपर व्यू में मैच होने वाला था, लेकिन रोमन रेंस को कोरोना हो गया, कोविड के वायरस की वजह से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच नहीं हो पाया, नहीं तो आपको वाला मैच देखने को मिल जाता। अब यहाँ पर रेसलमेनिया में जो मैच था, वहाँ पे ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन के आए थे, और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों के पास चैंपियन थे, तो यहाँ पे WWE ने ग्रेटेस्ट मैच ऑफ द एरा दिखा दिया। अंडरटेकर शॉन माइकल्स के इतने बेहतरीन मैच, अंडरटेकर ट्रिपल एच के हेल इन अ सेल वाला मैच, WWE ने सबको पीछे छोड़ दिया, और यहाँ पे बताया कि भाई ये वाला मैच ही सबसे बड़ा मैच है, अब यही वाला मैच सबसे बड़ा मैच होगा, दोनों ही टाइटल्स अनडिस्प्यूटेड हो जाएंगे, और जो भी सुपरस्टार जीतेगा दोनों टाइटल्स उसके पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों को लगता था कि भाई चलो अब तो रोमन रेंस का बाजा बजेगा रेसलमेनिया में, और जैसे ही रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई तो भाई क्या ही एनर्जी थी, और मैंने भी उस मैच को देखा, एकदम गजब का था। जैसे ही ब्रॉक लेसनर अंदर आए, उन्होंने तगड़ा F5 मारा, रोमन रेंस ने भी SPR मारा, पॉल हेमन का भी फैक्टर आपको देखने को मिला, लेकिन इस बार रोमन रेंस ने क्लीन पिन कर दिया ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। ब्रॉक लेसनर के फैंस को बहुत ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला कि भाई चलो पहले तो कम से कम चीटिंग से हराते थे, अब तो सीधे क्लीन पिन करके हरा दिया रोमन रेंस ने। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर से बहुत लोग निराश हुए थे, और WWE की बुकिंग से भी निराश हुए थे। मैंने भी इस मैच को क्रिटिसाइज किया था, और मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर को उसी वक्त जीत जाना चाहिए था। तो 10 में से मैं इस मैच को 7 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा, और 7 स्टार रेटिंग देने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि भाई दोनों ही चैंपियनशिप दांव में लगी हुई थी, और ब्रॉक लेसनर भी कुछ चैंपियनशिप वगैरह लेके आए थे, इस बार ब्रॉक लेसनर खाली हाथ नहीं आए थे, तो ये वाला थोड़ा सा एक्सपेक्टर था, इसीलिए मैं इसको 10 में से 7 स्टार की रेटिंग दे रहा हूँ। अब जितने भी सारे मैचेस थे इसमें आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये मतलब यहाँ पर रेटिंग ज़्यादा दी है अथवा कम दी है, तो आप अपना ओपिनियंस वहाँ पर बता सकते हो। आई होप स्पोर्ट्स थिएटर सीरीज़ का ये सेगमेंट देखने के लिए आपको अच्छा लगा होगा। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।